आज एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे और चैप्टर के दो तीन नाम है। स्पेशल जर्नल भी बोलते हैं इसे, सब्सिडरी बुक भी बोला जाता है, अदर बुक भी बोला जाता है। बेसिकली ये चैप्टर या ये किस लिए बनाया जाता है आपका, जो लार्ज स्केल के ऑर्गेनाइजेशन है जिनका बहुत बड़ा बिजनेस होता है वो ये सारे बुक्स को क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। जर्नल तो करते ही हैं, लेजर भी करते हैं, वो लेजर के साथ ट्रायल बैलेंस भी बनाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ उनका बिजनेस इतना लार्ज होता है कि उसके साथ साथ उनको इन बुक की भी जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो इन बुक को बार बार देखते हैं, रूटीन में इनका काम चलता है इस बुक के ऊपर। जैसे एसेट्स खरीदा है तो खरीदा होगा साल में कुछ, अब ऐसा थोड़ी है आज बिल्डिंग खरीद लिया, कल फर्नीचर खरीद लिया, फिर बिल्डिंग खरीद लिया, वो तो कभी कभी होता है। लेकिन ये देखो आप, कैश मिनट मिनट में होता है, कभी इस एम्प्लॉय को सैलरी दिया, कभी उसको पैसा दिया, परचेज बहुत फ्रिक्वेंटली होगा, सामान खरीदा, सामान बेचा, सामान रिटर्न हुआ, तो ये सारे पॉइंट्स क्या होते हैं, बहुत ही फ्रिक्वेंटली होते हैं आपके। तो सब्सिडरी बुक की अगर मैं बात करूं तो सब्सिडरी बुक के अंदर, जल्दी जल्दी बैठो, पीछे भी स्पेस है, जिसको पीछे बैठना है पीछे बैठ। सब्सिडरी बुक में सबसे पहले तो मैं अगर आपको बताऊं तो सब्सिडरी बुक कौन से ऑर्गेनाइजेशन को प्रिपेयर करना होगा, लार्ज स्केल के ऑर्गेनाइजेशन को। इसके अंदर कौन से बुक प्रिपेयर करते हैं जिसका यूसेज बिजनेस में सबसे ज्यादा होता है, और जनरली देखा जाए तो कैश का यूसेज सबसे ज्यादा है, परचेज का यूसेज सबसे ज्यादा है, सेल्स का, सेल्स रिटर्न, क्योंकि जब सेल्स करते हैं तो सेल्स रिटर्न होगा, परचेज करते हैं तो परचेज रिटर्न। अब इसके अंदर परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न बुक बनाया गया है। यहां से एक कॉन्सेप्ट डेवलप होता है कि आप मुझे बताओ, क्या कैश में जब आप परचेज करते हो तो दुकानदार जनरली इतनी जल्दी वापस कर लेता है? नहीं करता। अगर कोई कैश में बेच रहा है तो दुकानदार वापस लेगा नहीं वो, तो अगर क्रेडिट पे बेचा जाए तो ले लेगा क्या? ले लेगा। तो यहां पे जो सब्सिडरी बुक, हमने कैश बुक का तो एक चैप्टर पूरा कर लिया कैश बुक के नाम से, जिसके अंदर सिंगल कॉलम डबल कॉलम, तो यहां पे अब कोई नहीं रहता, ये हो चुका है। अब इस चैप्टर के अंदर हम बाकी के चार बुक सीखेंगे। बाकी के चार बुक जब हम सीखेंगे तो सिंपल है, सबका पैटर्न एक जैसा है, एक हमें बुक अच्छे से समझ में आ जाए, सारा बुक इजीली समझ में आ जाएगा। जैसे कि मैं बात करूं परचेज बुक, तो परचेज बुक बनाएंगे तो दो तरीके का होगा, एक सिंपल जिसके अंदर एक ही कॉलम में कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं होगा, जीएसटी भी नहीं होगा, और एक डिटेल जिसके अंदर जब सामान खरीदेंगे तो उसके ऊपर ऐसा हो सकता है किराया भी देना पड़ा हो, तो उसकी भी डिटेल बनाएंगे हम। और जो परचेज बुक या सेल्स बुक या परचेज रिटर्न बुक होगा, सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न तो आपको ऑलवेज पता है क्रेडिट पे ही होता है, लेकिन परचेज और सेल्स दो तरीके से हो सकता है, कैश में भी। अब मान लो परचेज कैश में होता है तो कौन से बुक में दिखाते हैं? कैश बुक में, कैश बुक में दिखाते हैं ना, परचेज कैश में होता है। और सेल्स अगर कैश में होता है तो किस में दिखाते हैं? सेल्स कैश बुक में। अगर मैंने नगद में सामान बेचा तो कैश बुक में, यही तो सीखा था हमने कि अगर हम नगद में सामान बेचते हैं कैश में तभी हम उसकी एंट्री कैश बुक में करते हैं। अगर मैंने उधार में कोई एंट्री क्रेडिट पे सोल्ड किया है तो क्या हम उसको कैश बुक में दिखाते हैं या नोट दे के नीचे कंप्लीट करते हैं? नोट दे के कंप्लीट करते हैं। तो सेम, अगर मैंने कैश में सेल्स किया तो किस बुक में जा चुका है? वो कैश बुक में। अगर कैश में मैंने परचेज किया तो किस बुक में जा चुका है? तो यानी यहां पे जो हम अदर बुक सीखने वाले, बाकी के चार बुक, परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स बुक और सेल्स रिटर्न, इसमें सारी क्रेडिट वाली एंट्री आएगी, क्योंकि वहां पे क्रेडिट वाली एंट्री के लिए नोट दे दिया था, अब उसका यूज यहां पे करना है हमें। तो दूसरा, और एक तो ये साइड हो गया, दूसरा साइड हमारा कौन सा है? जर्नल प्रॉपर। हम जर्नल एंट्री भी सीखेंगे, तीन चार जर्नल एंट्री है। यहाँ पे वो जर्नल एंट्री है जिसके अंदर हमारे बिजनेस में कैश नो फ्लो होता है, जैसे डेप्रिसिएशन कैश नो फ्लो है, जैसे डेटर और क्रेडिटर आपस में सेटल हो जाए, यानी ऐसा पॉसिबल है कि हम जिसको सामान बेचते हैं उससे सामान खरीदते भी हैं, ऐसा हो सकता है प्रोबेबिलिटी, तो उनका सेटलमेंट या कोई जनरल रिजर्व हमने बना लिया, तो उस तरीके की एंट्री हम इसमें देखेंगे। दो तीन एंट्री है, तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले कौन से बुक को? कैश बुक को कंप्लीट कर चुके हैं हम करेंगे पहले परचेज बुक।
परचेज बुक क्या होगा, इसमें कौन कौन सी एंट्री करेंगे। परचेज सिर्फ किसको किया जाएगा, हमारा परचेज किया जाएगा सिर्फ और सिर्फ गुड्स के लिए। इस बुक को जब प्रिपेयर करेंगे तो कुछ बातों का ध्यान रखना है, परचेज किसके लिए, गुड्स के लिए। अगर परचेज मशीनरी करते हैं तो हम परचेज बुक में नहीं दिखाएंगे, परचेज कंप्यूटर करेंगे तो परचेज बुक में नहीं दिखाएंगे, परचेज टाइपराइटर करेंगे तो परचेज बुक में नहीं दिखाएंगे। अगर मैंने परचेज गुड किया है और वो भी किस पे, क्रेडिट पे, तभी हम परचेज बुक में दिखाएंगे। अगर मैंने परचेज किया है गुड्स कैश पे, वो तो हम सीख चुके हैं किसमें, कैश बुक के अंदर। तो सबसे पहला हमें परचेज बुक प्रिपेयर करना है, तो ओनली क्रेडिट एंट्री रिकॉर्ड करना है, और क्रेडिट एंट्री रिकॉर्ड करने के साथ साथ ये भी देखना है कि किस चीज का खरीदारी होनी चाहिए, गुड्स का। मान लो एक बुक सेलर है और बुक सेलर ने क्या करा, बुक खरीदा क्रेडिट पे, तो क्या उसकी परचेज बुक में एंट्री करेंगे, करेंगे, क्योंकि बुक सेलर है, स्टेशनरी शॉप वाला है, वो उसका काम क्या है, पेन बेचना, पेंसिल बेचना, रजिस्टर बेचना, कलर्स बेचना, यही काम है उसका। तो अगर किसी स्टेशनरी शॉप वाले ने रजिस्टर खरीदा है तो क्या उसको हम लिखेंगे परचेज बुक में, अगर क्रेडिट पे खरीदा है तो लिखेंगे, अगर उसने पेन खरीदा है क्रेडिट पे तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे, परचेज। अगर उसने कंप्यूटर खरीदा है क्रेडिट पे तो क्या लिखेंगे, इसको नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि वो हमारा गुड्स नहीं होगा, क्या माना जाएगा, हमारे लिए एसेट्स होगा। इसके बाद अगर हम खरीदते हैं, मान लो पेपर का रैम, रैम क्या होता है, जो शीट जिस पे फोटोकॉपी निकलता है उसको रैम बोलते हैं। अगर मैंने रैम खरीदा है तो क्या उसे लिखेंगे, अगर क्रेडिट पे खरीदा है तो लिखेंगे। मैंने 100 रजिस्टर खरीद लिया कैश पे, मैंने 100 रजिस्टर किस पे खरीदा है, कैश पे, तो अगर मैंने 100 रजिस्टर कैश पे खरीदा है तो क्या इसको रिकॉर्ड करेंगे यहाँ पे, नहीं, इसको रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। सेम ऐसे मैं बोलूं मैंने इंक पॉट खरीदा, इंक पॉट समझते हो, इंक जो पेन में डालते हैं, इंक खरीदा मैंने 10, तो उसको मैंने क्रेडिट पे खरीदा है, तो क्या हम परचेज बुक में रिकॉर्ड करेंगे, करेंगे। क्या स्टेशनरी वाले के लिए इंक गुड्स है, बिल्कुल गुड्स है। इसके साथ साथ कुछ मेजरमेंट भी हमें सीखना पड़ेगा, मेजरमेंट में सीखना पड़ेगा, 1 डजन, 1 डजन कितने पीसेस होते हैं, 12। आप सबको पता है कि 1 डजन में 12 पीसेस होते हैं। इसके साथ साथ आपको समझना पड़ेगा कि 1 ग्रॉस, एक ग्रॉस भी हमारा मेजरमेंट का तरीका होता है। तो 1 डजन में 12 पीसेस और 1 ग्रॉस के अंदर 12 डजन होता है। तो अगर मैं यहां पे लिखूं कुछ मेजरमेंट, तो 1 डजन ट्वेल्व पीस और 1 ग्रॉस 12 डजन बोल लूं, या फिर मैं 144 पीसेस बोल लूं, ठीक है। ये कुछ मेजरमेंट आएगा आपके यहां पे, तो उसको समझना पड़ेगा। मैं आपसे अमाउंट की डिटेल पूछता हूं, मान लो मैंने पेंसिल खरीदा, पेंसिल खरीदा मैंने, और पेंसिल मैंने खरीदा सपोज करो 100, और एट का मतलब होता है एक की कीमत 2 रुपए है, एट का मतलब होता है हमारा एक की कीमत 2 रुपए। तो 100 पेंसिल जो मैंने खरीदा, एक का कीमत क्या है, 2 रुपए, तो कितने रुपए का पेंसिल खरीदा होगा, 200 का। अगर मैं बोलता हूं 1 ग्रॉस मैंने, 1 ग्रॉस मैंने पेन खरीदा, और 1 ग्रॉस पेन खरीदने के बाद, और ये पेन 1 ग्रॉस खरीदा 10 रुपए का एक है, तो कॉस्टिंग बताओ कितने पड़ेगी। अगर मैंने 1 ग्रॉस खरीदा तो कितने पीसेस खरीदेंगे, सोचो, 144, 144 पीसेस, 144 पीसेस खरीदा, और एक पीस कितने का है, 10 रुपए का। तो आपने मुझे जवाब दिया ये। अगर मैं बोलता हूं 1 ग्रॉस पेंसिल खरीदा है 100 रुपीज पर ग्रॉस, मैंने बोला 1 ग्रॉस पेन खरीदा और 100 रुपीज पर ग्रॉस, तो मैंने कितने ग्रॉस खरीदे, 1 ग्रॉस खरीदा, और 1 ग्रॉस है कितने का, 100 का ही है। तो यहां पे क्या हमें अब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 144 से, नहीं, क्योंकि जो मैंने ग्रॉस का ही है,
आप जब कोई सामान लेने जाते हो, डजन बोलता है एक पीस 2 रुपए का, एक दर्जन ले लो, तो आप 24 रुपए हिसाब लगा लेते हो। लेकिन अगर उसने बोला कि एक दर्जन 24 रुपए का है, तो क्या आप फिर 12 से मल्टीप्लाई करोगे उसको? नहीं करोगे। तो सेम मैंने यहाँ पे क्या बोला कि वन ग्रॉस आपका, मतलब एक ग्रॉस 100 रुपए का है और आपको एक ग्रॉस खरीदना है, तो कितने रुपए का पड़ेगा? 100 का ही रहेगा, उसको 12 से मल्टीप्लाई, 144 से मल्टीप्लाई नहीं करना। अगर मैं वन पीस बोलता तो आप क्या करते, उसको 12 से मल्टीप्लाई करते, ठीक है? तो यहाँ पे सब्सिडरी बुक में हम पहले परचेज बुक कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फिर परचेज बुक डिटेल में देखेंगे, फिर सिंपल सिंपल सा है हमारा ये खत्म हो जाएगा। तो एक विदाउट जीएसटी का देखेंगे और एक विद जीएसटी। हर बच्चे को पता है कि जीएसटी का क्या है, हमारा इनपुट आउटपुट इस तरीके से, बस नॉर्मल नॉलेज होना चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। तो एक में जाएगा, आप देखो आपके बुक का क्वेश्चन कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एमएस नारायण एंड कंपनी दिल्ली प्रिपेयर अ परचेज बुक मंथ फेब, फेब के मंथ का है। लेकिन यहां पे क्वेश्चन में ये नहीं बताया कि जो बिजनेसमैन है उसका बिजनेस किस चीज का है, नहीं बताया। तो हमें उनके ट्रांजेक्शन को देख के पता करना पड़ेगा कि उसका बिजनेस किस चीज का है। तो ट्रांजेक्शन में देखें तो ये क्या खरीदता है, ग्रॉस क्या खरीद रहा है, ये पेंसिल खरीदता है, और क्या खरीदता है, ये स्टेशनरी मार्ट से खरीद रहा है। यानी ज्यादा से ज्यादा काम इसका स्टेशनरी का है, तो हम मान के चलेंगे जो ये बिजनेसमैन है वो किस चीज का है, स्टेशनरी का। तो हमें सबसे पहले लिखना होगा इन द बुक्स ऑफ, किसके बुक्स में, हम स्टार्टिंग में जब परचेज बुक बनाते हैं तो हमें लिखना होता है इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ एमएस कौन है ये, एमएस नारायण, नारायण। अब हम परचेज बुक बनाने जा रहे हैं तो किस पॉइंट्स को ध्यान रखना है, क्रेडिट वाली एंट्री करना है, और किसका एंट्री करना है, गुड्स का एंट्री करना है। जनरल एंट्री नहीं करना है, बेसिकली कौन सा सामान कितने का खरीदा है, बस इसको बताना है हमें एग्जामिनर को। यहाँ पे जनरल एंट्री करके नहीं दिखाना। कहता है फर्स्ट फेब को इसने खरीदारी करी, फर्स्ट फेब को 1/2/2019 इसने क्या करा, फर्स्ट फेब की खरीदारी करी, और फर्स्ट फेब में क्या खरीदा इसने, क्वेश्चन में कहता है कि परचेज फ्रॉम, एमएस का मतलब होता है मैसेज, इसे मैसेज बोलते हैं हम, जैसे होता है ना मिस्टर मतलब किसी पर्सन के लिए, मिसेज किसी फीमेल के लिए, और ऐसे ही कंपनी के या किसी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी एचयूएफ कंपनी के लिए हम ब्रदर्स का नाम देते हैं, BRO करके लिखते हैं, या फिर मिसेस हम लगाते हैं स्टार्टिंग में रिस्पेक्ट देने के लिए किसी कंपनी को। तो कहता है कि परचेज फ्रॉम मिसेस ब्राउन एंड कंपनी कोलकाता। तो सबसे पहले मैं इसको एंट्री यहां पे लिख तो दूं, लेकिन पहले सबसे पहले ये तो कंफर्म कर लूं कि ये गुड्स है या नहीं है। मैंने देखा पेपर वगैरह खरीदा है इसने, पेंसिल तो मेरे लिए तो गुड्स है। दूसरा पॉइंट ये तो कंफर्म कर लूं कहीं कैश में तो नहीं है। तो मैंने देखा यहां पे तो कैश वर्ड भी नहीं लिखा, और कंपनी का क्या लिखा हुआ है, सिर्फ नाम। तो जब कभी नाम भी आ जाए परचेज करते टाइम पे, तो वो किस पे होता है, हमेशा क्रेडिट पे। तो इसका मतलब ये एंट्री हमारा परचेज बुक में करा जा सकता है। तो परचेज, अब हेडिंग डालेंगे सबसे पहले, परचेज कराए किससे, एमएस ब्राउन से। तो पहले हम लिखेंगे कंपनी का नाम जिससे खरीदा जा रहा है, एमएस ब्राउन एंड कंपनी, और इसके नीचे अंडरलाइन कर देना आप। इसका मतलब है कि एमएस ब्राउन एंड कंपनी से एक डेट पे क्या क्या हमने खरीदा, किस में, कैश में या क्रेडिट पे, क्रेडिट की डिटेल बना रहे हैं। कहता है 5 ग्रॉस पेंसिल खरीदा इसने, और पेंसिल 1200 रुपए पर ग्रॉस था। तो इसने कहा क्वेश्चन में कि 5 ग्रॉस पेंसिल, तो मैं यहां पे लिखूंगा 5 ग्रॉस पेंसिल, 5 ग्रॉस पेंसिल, और एट 1200 पर ग्रॉस, और 1200 पर ग्रॉस के हिसाब से देखा जाए 6000 रुपए का डिटेल वाले कॉलम में।
अब यहाँ पे हमारे कॉलम भी समझ लेते हैं, डेट पर्टिकुलर इनवॉइस का मतलब होता है बिल नंबर, जिससे सामान खरीदते हैं तो उसका बिल नंबर लिखा जाता है। बिल नंबर के बाद यहाँ पे क्या है हमारा डिटेल, डिटेल यहाँ पे एक पर्सन से जितना सामान खरीदेंगे इसमें लिखेंगे, जब उसका सामान पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो उसको टोटल करके टोटल वाले कॉलम में लिख देंगे हम, या अमाउंट भी बोल देते हैं इसको। इसके बाद उसी पर्सन से 2 डजन इसने रजिस्टर खरीदे हैं, 2 डजन रजिस्टर। अब ये एक कितने का है, 500। अब क्वेश्चन ऐसा हो सकता था कि वो 1200 रुपये पर ग्रॉस की जगह पे वो पर पीसीस दे देता आपको, तो पर अगर पीसीस देता आपको 1200 रुपये, सपोज करो पर पीस दे दिया उसने, वैसे तो पर पीस मान लो आपका 12 रुपये पर पीस दे दिया, तो हम इस सिचुएशन में कैसे करते, 5 मल्टीप्लाई 145, 144 और मल्टीप्लाई 12, जो आंसर निकल के आता वो डिटेल में लिखते हैं। क्यों ऐसा करते, 12 है और एक ग्रॉस में कितने पीसीस होंगे, 144, तो टोटल पीसीस बन गया ये, और एक पीस कितने का है 12 रुपये का, तो हम यहाँ पे 12 रुपये रिकॉर्ड करते इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद अगर हम आगे देखें कंटिन्यू में, तो लेस डिस्काउंट, डिस्काउंट कब मिलेगा, जब टोटल बिल बन जाता है ना हमारा तब हम डिस्काउंट देते हैं, टोटल बिल बनने के बाद फिर हम क्या करते हैं डिस्काउंट दे देते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए ट्रेड डिस्काउंट है और उसे बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड भी नहीं करते, और कैश डिस्काउंट क्या होगा यहाँ पे बताओ, नहीं होगा। रीजन वाई, क्रेडिट पे सामान है। कुछ बच्चे पूछते हैं सर कैश डिस्काउंट को क्या करें, तो उसका क्वेश्चन बिल्कुल इनवैलिड है। क्यों इनवैलिड है, क्योंकि यहाँ पे तो कैश का ट्रांजेक्शन होना ही नहीं है, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट कितने परसेंट, 10%, और ये 500 × 2 1000, इसका यहाँ टोटल करना है आपको 7000, और यहाँ पे लेस करना है, लेस ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, और माइनस कर देते हैं 10, कितने परसेंट है, 10%, 700, और 700 लिखने के बाद यहां आ जाएगा 60। अब इस टोटलिंग का भी देख लो प्रोसेस कैसे करा है मैंने, 100 टोटलिंग कैसे किया मैंने, ये लाइन ड्रॉ किया है और लाइन के ऊपर इधर लिखा जाता है। अगर मान लो लाइन मैंने यहां ड्रॉ करा है, काफी बच्चे क्या करते हैं लाइन ड्रॉ करा यहां लिख रहे हैं 6300, गलत है ये। आप यहां लिख रहे हो 6300, गलत है। आप यहां लिख रहे हो 6300, वो गलत है। कैसे लिखना है, ये टोटल किया और इस लाइन के साथ में थोड़ा ऊपर ऊपर लिखना है हमें, यानी जैसे मैंने लिखा 6300, इससे क्लियर होता है कि इन दोनों का टोटल माइनस प्लस जो भी हुआ है वो, और माइनस के लिए ज्यादा से ज्यादा यूज करो आप ब्रैकेट यूज करो, ब्रैकेट का मीनिंग हो क्या होता है हमारा माइनस, यानी एक डीलर से जिसका नाम था मैसेस ब्राउन एंड कंपनी, उससे सामान खरीदारी करी, उसके लिस्ट मैंने बना लिया, एक बन गया। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं, परचेज फॉर कैश फ्रॉम स्टेशनरी मार्ट, स्टेशनरी मार्ट से नगद में सामान खरीदारी करी है, तो इसके इसको हम परचेज बुक में रिकॉर्ड, सिर्फ क्रेडिट वाले को, यानी जब परचेज बुक करने बैठेंगे तो माइंड में दो क्वेश्चन होना चाहिए कि गुड्स होना चाहिए और कैश में नहीं होना चाहिए। अगर गुड्स नहीं है और कैश में नहीं, कैश में है तो उसकी एंट्री नहीं करेंगे। नेक्स्ट कहता है सेकंड फेब का तो हमें करना ही नहीं है क्योंकि इसने कैश में खरीदारी कर ली। थर्ड फेब को कहता है परचेज अ कंप्यूटर प्रिंटर फॉर ऑफिस यूज, इसकी एंट्री करेंगे क्या, रीजन वाई क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये एसेट्स है और हमारा यहां पे क्या रिकॉर्ड होगा, गुड्स। फोर्थ परचेज फ्रॉम द पेपर कंपनी दिल्ली, हाँ ये आपका उधार है, कुछ भी नहीं बताया, फिर से इसके लिए हेडिंग बनाएंगे, डेटेड क्या है, फोर फोर फेब, और द पेपर कंपनी ये अंडरलाइन किया, इससे पता चल जाएगा इससे इतने की खरीदारी हुई है टोटल क्रेडिट में, और पेपर कंपनी से, पेपर कंपनी से क्या क्या खरीदा है, कहता है कि 8 रीम्स खरीदा है उसने आपका व्हाइट पेपर, व्हाइट पेपर कौन सा होता है जो फोटोकॉपी करवाते हो जिस पेपर के ऊपर, उसे व्हाइट पेपर बोलते हैं, और पूरा जो उनका बंडल होता है उसको रीम का नाम भी बोलते हैं। तो कहता है कि 8 रीम व्हाइट पेपर खरीदा है 500 रुपये पर रीम, तो 8 रीम पर
व्हाइट पेपर, व्हाइट पेपर एट पर कितने का है इसमें? 500। तो टोटल 4000 रुपए। इसके अंदर आप दो पेन भी यूज कर सकते हो, ब्लैक पेन से आप कंपनी का हेडिंग डालो, बाकी ब्लू पेन से कर लो आप। इसके बाद कहता है 10 रेम्स रूल्ड पेपर। रूल्ड पेपर कौन सा होता है? जो आप रजिस्टर यूज करते हो ये सारा रूल्ड पेपर है, जिसमें लाइनिंग डला होता है उसे रूल्ड पेपर कहते हैं। रूल्ड पेपर एट 600 का, 6000। इसके बाद आगे फिर से अगेन दिया इसने ट्रेड डिस्काउंट 10%। अब ट्रेड डिस्काउंट सबसे पहले टोटल करेंगे इस कॉलम में 10000, और अगेन हम लेस करेंगे यहां पे लेस ट्रेड डिस्काउंट, और इसमें से माइनस कर देंगे 1000, और ये फाइनल आ गया हमारा 9000। 9000 रुपए का हमने सामान खरीद लिया। जो जो एंट्री छोड़ा है क्या उसके लिए नोट दें? बिल्कुल, आप एग्जामिनर को नोट देके क्लियर करें कि 2 तारीख और 3 तारीख की एंट्री, 2 तारीख की एंट्री हम इसलिए परचेज बुक में एंट्री नहीं कर रहे बिकॉज ऑफ कैश, और 3 तारीख की एंट्री हम इसलिए परचेज बुक में नहीं कर रहे बिकॉज ऑफ नोट्स ऑफ गुड्स। ये क्या है? हमारा एक एसेट्स है, इसलिए उसको रिकॉर्ड नहीं किया जा रहा, और हमने जिस जिसका किया है वो तो हम कर ही रहे हैं। लास्ट एंट्री कहता है इसके अंदर 5 का परचेज आपका 80 रेनॉल्ड्स पेन और 5 ईच, यानी 80 रेनॉल्ड्स पेन खरीदा और एक पेन 5 रुपए का है। रेनॉल्ड्स क्या है? ये कंपनी का नाम है। अब ये हमारा 5, और किससे खरीदा नाम दिया क्या इसने? हाँ, मैसेज या एमएस वर्मा। अंडरलाइन किया इसके नीचे, और हम लिखेंगे यहां पे कितने 80 रेनॉल्ड्स पेन्स, और जो पेन खरीदा है इसने एट 5। क्या यहां पे ट्रेड डिस्काउंट है क्वेश्चन में? नहीं है। ये लो, इसका बस कैलकुलेशन करना 80 × 5, और यही टोटल। तो देखो, मैं लाइन का स्पेशली ध्यान रखना है आपको, एग्जामिनर को क्लियर पता चलना चाहिए किसके बाद टोटल का लाइन ड्रॉ किया गया है। अब इसके बाद हमें लास्ट में टोटल कर देना है सबका। किसका? सबका, जो ये वाला कॉलम है हमारा, इसका टोटल करते हैं। क्या टोटल आता है? 15000। और यहां पे लास्ट में लिख देंगे ये क्या है, परचेज बुक है, परचेज अकाउंट डेबिट, बस परचेज अकाउंट डेबिट। और इससे हमें यह पता चलता है पूरे मंथ में मैंने कितना सामान उधार में खरीदा है। कितने का खरीदा है? 15700, जिसमें से देने हमें वर्मा को है 400 और पेपर कंपनी को 9000 और ब्राउन कंपनी को 6300। अब कभी ना कभी तो हम पैसे देंगे इनको, परचेज है तो। जब भी इसको पैसे देंगे तो कौन से बुक में एंट्री चली जाएगी बताओ? कैश बुक में, क्योंकि कैश बुक का तो यही है कि पेमेंट देना या पेमेंट रिसीव करना, वहां चले जाएगा। तो जब पेमेंट देंगे तो ये स्विच हो जाएगा कैश बुक में। ठीक है, क्लियर? अब फटाफट से इनवॉइस नंबर का मतलब क्या होता है बताओ? बिल नंबर दिया जाता है, जिसको वाउचर नंबर भी बोल सकते हैं हम कई बार, वैसे बिल नंबर होगा, और डिटेल और टोटल। अब अगला वाला जो कॉन्सेप्ट होगा उसको मैं थोड़ा सा हिंट देता हूं, करेंगे तो अभी हम अगले वाले कॉन्सेप्ट में। जैसे जीएसटी आ गया, एक कॉलम ड्रॉ कर लेंगे जीएसटी का, इनपुट और आउटपुट का। अगर हमारा मान लो कैरेज आ गया या कार्टेज आ गया, सामान को खरीदने में देना पड़ रहा है कैरेज या कार्टेज, एक कॉलम और क्या करेंगे हम ड्रॉ कर लेंगे। तो जितने, जैसे कि हमने पेटी कैश बुक करा था,
जितने एक्सपेंसेस आगे आते गए उतने लाइन हम ड्रॉ करते गए, सेम ऐसे यहाँ पे जितने एक्सपेंसेस आते जाएगा उस लाइन को हम क्या करेंगे ड्रॉ कर लेंगे। अब फटाफट नोट करिए, आप आपके बुक का फर्स्ट क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन, ये एक पॉइंट और देखना। इस परचेज के आगे भी आपको डेट डालना है, और हमारा लास्ट है ये तो मंथ का एंड आएगा, और मंथ का एंड क्या है हमारा होगा 28 फेब। और इसकी जनरल एंट्री भी देख ही लो, आप नोट कर रहे हो तो जनरल एंट्री भी देख लो, इसका हम जनरल एंट्री भी करेंगे। जनरल एंट्री कैसे कर सकते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट, और टू में जिस जिस से सामान खरीदा है उसका नाम लिख दो। सबसे पहले कौन है, और टू द पेपर कंपनी, और टू वर्मा, और इन सब का अमाउंट डाल देना आप। पहले से खरीदा है, टोटल खरीदा है 15,700, और इससे खरीदा है 9,000, इससे सॉरी 6,300, और इससे खरीदा है 9,000, और इससे 400। इस तरीके से हमारा हो गया बीइंग गुड्स परचेज फॉर द मंथ, ये भी साथ के साथ नोट कर लेना आप। क्या अभी जो हमने परचेस बुक कंप्लीट किया है वो थोड़ा सिंपल था, उसमें कोई डिटेल था नहीं ज्यादा, इतने का सामान खरीदा लेस ट्रेड डिस्काउंट बस। अब क्या हो सकता है, सामान को खरीदने पे अगर फ्रेट होगा तो उस फ्रेट को हमें अलग से दिखाना पड़ेगा, अगर सामान को खरीदने पे जीएसटी है तो उसको भी दिखाना पड़ेगा। तो यानी अगर जीएसटी होगा, एसजीएसटी हो, सीजीएसटी हो, या आईजीएसटी हो, उसके लिए अलग अलग कॉलम बनाएंगे। ऐसा नहीं कि जीएसटी के लिए एक कॉलम बनेगा। अगर फ्रेट है, कार्टेज है, या कैरेज है, उसके लिए क्या होगा, एक अलग से कॉलम बनाएंगे। यानी बेसिकली फॉर्मेट तो इतना ही है। अब कॉस्ट का मतलब क्या है, मैं जितने से दुकानदार का सामान खरीदता हूँ आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट डिडक्शन, उसे कॉस्ट बोला जाता है। मान लो 1,000 रुपये का सामान खरीदा, उस 1,000 रुपये में से 10% का ट्रेड डिस्काउंट है, तो कितने का पड़ा मुझे, 900 रुपये का। तो मैं कॉस्ट के अंदर क्या डालूंगा, 900 रुपये। उस 900 रुपये के ऊपर 5 रुपये का जीएसटी है, तो मैं एक जीएसटी का कॉलम बनाऊंगा और उसमें लिखूंगा। और उसके ऊपर फ्रेट आपका मान लो 10 रुपये का है, तो मैं एक कॉलम और बनाऊंगा जिसके ऊपर लिखूंगा मैं फ्रेट। ठीक है, तो इलस्ट्रेशन नंबर 3 आपके बुक का ध्यान से देखना, इसमें सारे पॉइंट्स कवर होंगे लगभग। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द परचेज बुक एमएस भास्कर ब्रदर्स मुंबई एंड पास जनरल एंट्री। इस क्वेश्चन में स्पेशली मेंशन है कि जनरल एंट्री पास करना है। पिछले क्वेश्चन जो हमने किया था उसमें मेंशन नहीं था, फिर भी मैंने करके दिखा दिया। अब इसमें मेंशन है तो टीचर से पूछने की कोई जरूरत नहीं है, बोला हुआ है जनरल एंट्री पास करना है तो आपको करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, अप्रैल 1 का, अब अभी तक ये नहीं पता इसका बिजनेस किस चीज का है, एक बार दो तीन एंट्री देख लेते हैं, पता चल जाएगा हमें। ये खरीदता है फिलिप्स ट्यूबलाइट, क्रॉम्पटन बल्ब और हीटर, तो इलेक्ट्रिसिटी शॉप है इसका कोई, यानी ये क्या करता है, फैन वगैरह कुछ बेचता है। 1 अप्रैल को परचेज गुड्स फ्रॉम जोशी ब्रदर्स, और इनवॉइस नंबर भी दे रखा है 210। अब ये क्रेडिट पे है क्योंकि सिर्फ नाम आया है। तो किस डेट पे खरीदा इसने, फर्स्ट परचेज जिससे किया है उस कंपनी का नाम लिखेंगे, जोशी ब्रदर्स से इसने सामान खरीदा है, और उसका इनवॉइस नंबर जो है ये अंडरलाइन किया, इनवॉइस नंबर दे रखा है आपको 210। क्या क्या खरीदा है इसने, 10 फिलिप्स ट्यूबलाइट, 10 फिलिप्स
ट्यूबलाइट्स। और 200 रुपए का एक है एट 200, और कितने का है 200 रुपए का एक 2000 का है, 200 का है, तो टोटल कॉस्ट 2000, डिटेल में 2000 लिखेंगे। इसके ऊपर जीएसटी हो और सीजीएसटी हो या आईजीएसटी हो, ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि हमने एक डीलर से दो प्रोडक्ट खरीदा है। जैसे फॉर एग्जांपल बताऊं, आपके बुक में तो नहीं है, मैं प्रैक्टिकल पॉइंट्स बता रहा हूं। मैं हो सकता है कहीं से खरीदारी करने जाऊं तो टीवी भी खरीदूं मैं, और हो सकता है कि मैं वॉशिंग मशीन भी खरीदूं, दोनों के ऊपर जीएसटी का रेट अलग होता है। अगर आप एलसीडी या एलईडी लेते हो तो उसके ऊपर 28% आता है, और वॉशिंग मशीन पे मान लो आपका 18% आता है, तो ऐसे सिचुएशन में अलग अलग जीएसटी का है। तो हम क्या करेंगे, इसका पहले मैंने लिखा और इसका यहीं पे जीएसटी शो करेंगे, क्योंकि अलग अलग है दोनों प्रोडक्ट का। मैंने यहाँ पे अगर टीवी परचेज किया है तो टीवी पे मैंने लिखा और अमाउंट और देन जीएसटी ऐड करके यहीं पे सॉल्व कर देंगे इसको। लेकिन अगर सेम रेट हो तो जीएसटी क्या करेंगे, हम सबको टोटल करके लास्ट में लगा देंगे। मान लो मैंने 10,000 रुपये का वॉशिंग मशीन खरीदा और 1,00,000 रुपये का टीवी खरीदा, और रेट 12% ही है, तो मुझे क्या करना चाहिए, 10 लाख पे अलग और वॉशिंग मशीन पे अलग नहीं लगाना चाहिए, टोटल ऐड करके, क्योंकि 12% दोनों पे ही है तो मैं एक साथ लगा दूंगा। हालांकि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो सब पे एक ही रेट रहेगा नॉर्मली। जैसे कि इस क्वेश्चन में देखो, आपका सीजीएसटी और एसजीएसटी 6% है, और जो क्रॉम्पटन बल्ब्स खरीदा है उसने उस पे भी 6% और 6% है, तो कॉमन रेट है, तो लास्ट में जीएसटी लगाएंगे। सबसे पहले तो लिख ले सारा क्या क्या खरीदा है। फिलिप्स क्या है, हमारा ब्रांड का नेम है एक, और क्रॉम्पटन क्या है, ये भी ब्रांड का नेम है, एट 100। एट 100 का मतलब 100 का है, और ये हो गया हमारा 5,000। ध्यान से देखना, आप बोर्ड पे ध्यान देना। इसके बाद कहता है ट्रेड डिस्काउंट, तो पहले हमें टोटल करना चाहिए इसका। आपको पता है जीएसटी कब लगता है, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद। पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस होता है, जो अमाउंट होता है उसके अंदर जीएसटी को हम प्लस कर देते हैं हमेशा। तो अब इसके ऊपर ये आ गया हमारा 7,000, और इसमें से आप पहले तो लेस करेंगे, लेस ट्रेड डिस्काउंट, और ट्रेड डिस्काउंट कितने परसेंट है, 10%, 700 रुपये। अब जो आ गया मेरे पास अमाउंट 60, अब इसके अंदर ऐड करेंगे आपका। सबसे पहले परचेज पे तो इनपुट लगता है, तो इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी, अब 6,300 पे, 6,300 पे कितने परसेंट है, 6%, 378, और अगेन फिर 6%, 378। टोटल आ गया हमारा कॉस्टिंग 7,056। अब हमें कॉलम डिटेल बनाना पड़ेगा, कॉस्ट मेरा कितना है सामान का। सामान का जो कॉस्ट है वो है आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट, यानी कॉस्ट वाले कॉलम में 6,300। इसके बाद अगेन अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो अगला पॉइंट मेरा किस चीज का है, जीएसटी। तो इनपुट है हमारा सीजीएसटी, इनपुट है मेरा
एसजीएसटी, दोनों है पॉइंट हमारा, तो इसके ऊपर सीजीएसटी और एसजीएसटी और तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, बस मैंने इस दो कॉलम में रिकॉर्ड कर दिया। तो देखो क्वेश्चन कितना सिंपल है हमारा, पहले जैसा ही है। हमने क्या करा यहाँ पे कि दोनों जितने भी प्रोडक्ट मैंने खरीदे उसको लिखा, टोटल किया और लास्ट में ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जीएसटी लगा के टोटल वाले कॉलम में लिख दिया। इस 7000 जो हमारा ये है 56, 7056 में से 6300 कीमत का तो मैंने सामान खरीदा है, उसके ऊपर इतने मैंने सीजीएसटी दिए हैं और इतने अगर इसी के ऊपर फ्रेट होता तो मैं क्या करता, लास्ट में क्या करता, फ्रेट को ऐड कर देता और एक और कॉलम किसका बना लेता, मैं फ्रेट का बना लेता। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 10 अप्रैल का, इसने परचेज किया गुड्स फ्रॉम राजेश इलेक्ट्रॉनिक स्टोर और ये भी क्रेडिट पे है। तो राजेश इलेक्ट्रॉनिक स्टोर से, इलेक्ट्रिक स्टोर स्टोर से, तो यहां पे मैं चाहूं तो एक ना लाइन भी ड्रॉ कर सकता हूं ताकि सेपरेट पता चल जाए ये एंट्री ऊपर का है। कब खरीदा इसने, 10 तारीख को। और क्या क्या खरीदा है इसने, इसने उससे खरीदा है 25 हीटर, ट्वेंटी फाइव हीटर्स 800 ईच, तो ये हमारा कॉस्टिंग जो आएगा 8000 इंटू 25 2000 रुपये का, डिटेल में लिखेंगे बोर्ड पे, ध्यान देना आप। इसके बाद फिर से इसने क्रॉम्पटन फैन खरीदा है, क्रॉम्पटन क्या है हमारा कंपनी ब्रांड का नेम है, 20000। इसके बाद 15, फैन, एट 1600 ईच, या एट भी लगा दोगे तो आपका चल जाएगा। तो ये कितने का आ जाएगा हमारा, 24000। और इसके ऊपर भी सीजीएसटी एसजीएसटी है, और सीजीएसटी एसजीएसटी कितने अमाउंट का गिवन है आपका, वो 12% है किसी पे, दोनों पे आईजीएसटी है 12%, क्योंकि इसने दिल्ली से खरीदा है। यहाँ पे देखो अगर ये नहीं भी बोलता ना, सिर्फ जीएसटी देता तब भी हम अंदाजा लगा लेते, क्योंकि खरीदा कहाँ से, दिल्ली से, और जो ऑर्गेनाइजेशन है जो बिजनेस है वो कहाँ का है, मुंबई, तो मुंबई का पर्सन दिल्ली से खरीद रहा है तो स्टेट चेंज हो गया तो आईजीएसटी। तो यहाँ पे एग्जामिनर ने आईजीएसटी बता तो दिया, अगर नहीं भी बताता, मान लो सिर्फ लिखता जीएसटी 12%, तो आपको वहां पे अजम्पशन नहीं लेना था, क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन था उसी के अकॉर्डिंग चलना था हमें। तो यहां पे आगे दे रखा है आपका 1600 और 10% ट्रेड डिस्काउंट है और आईजीएसटी भी है, तो टोटल कर लेते हैं पहले 44000, और इसमें से सबसे पहले लेस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट, और ट्रेड डिस्काउंट 10% है 4400। अब इसके अंदर जो भी आएगा उसके ऊपर ऐड करेंगे हम इनपुट आईजीएसटी, आईजीएसटी में रेट डिवाइड तो होगा नहीं। अब देखा जाए तो 44,39600, इसके ऊपर 12%, ये आ गया 4752, और टोटल आ गया हमारा 4,43,52।
अब देखते हैं हम इसको क्या करें आगे। राजेश इलेक्ट्रॉनिक स्टोर है, यहां पे सबसे पहले कॉस्टिंग वाले में कॉस्ट, तो कॉस्ट किसके बाद कंसीडर करते हैं, आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट, तो आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट ये था टोटल कॉस्ट और आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट ये कॉस्ट है, तो ये आ जाएगा 39600। और आईजीएसटी में आईजीएसटी का कॉलम तो है नहीं, तो बनाना पड़ेगा हमें इनपुट आईजीएसटी, और इनपुट आईजीएसटी जो होगा हमारा वो होगा 4752। अब इससे डिटेल कैसे पता चलेगा हमें, डिटेल सिंपल है कि 39600 का मैंने सामान खरीदा और जिसके ऊपर मैंने 4752 पे आईजीएसटी पेड किया। और डिटेल जानना चाहते हो कि सर इस पे कोई डिस्काउंट भी था, हां जी बिल्कुल, डिटेल वाले कॉलम में देख लो इस पे ट्रेड डिस्काउंट भी कितने का था, 4400 का। चलो इसके बाद नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, 16 अप्रैल का परचेज इसने करा है सुप्रीम इलेक्ट्रॉनिक दिल्ली। अब दिल्ली से खरीदा है तो अगेन क्या इस पे एप्लीकेबल होगा, आईजीएसटी होगा। ये डेटेड है हमारे पास 16 अप्रैल, परचेज गुड्स फ्रॉम सुप्रीम बोर्ड पे ध्यान दो, अब इसके अंदर कहता है सबसे पहले क्या खरीदा इसने, खरीदा इसने 5 dozen फ्लिप बल्ब्स है और 100 rupees सीज। देखो अभी डजन का मैंने मेजरमेंट बताया था, अब मुझे इसका बताना क्या करेंगे इसका। मैंने यहां पे खरीदा है 5 dozen एट 100 each। अब इसकी कॉस्टिंग हमें मेजरमेंट कैसे करें, अब 5 dozen है, कैलकुलेशन देखते हैं इसका। कैलकुलेशन में अगर मैं यहां पे कर दूं इसका कैलकुलेशन, तो कैलकुलेशन में क्या कहता है कि 5 multiply 12 और मल्टीप्लाई 5 multiply 12 क्या हो गया, 5 dozen है, 1 dozen में 12 pieces है, तो 60 pieces खरीदे होंगे मैंने, और 100 का एक, तो 60 × 100 यानी आपने जो आंसर दिया 6000 rupees। चलिए और क्या परचेज किया इसने, पावर प्लग्स परचेज किया इसने 25, पावर प्लग्स आपका कितने 80 rupees का एक है, 80, और कितने का हो गया ये 2000, और लास्ट बस और कुछ नहीं खरीदा, ट्रेड डिस्काउंट 10% और फ्रेट भी है, फ्रेट किराया जो भी होता है वो जीएसटी के बिल के बाद लगता है, जीएसटी पहले ऐड होगा और लास्ट में हम क्या ऐड कर देंगे उसमें फ्रेट, सबसे लास्ट में जोड़ते हैं वो। जैसे आपने मान लो फ्रिज खरीदा, पूरा फाइनल हो गया, सर कितना है जीएसटी वगैरह लगा के सब हो गया, उसने बोला जी 15000 rupees का फ्रिज है, फिर आप उसे बोलोगे सर इसको भिजवाओ, अब वो बोलेंगे भिजवाने के 200 rupees अलग लगेंगे आपके, तो वो 15200 rupees चार्ज करेंगे आपसे, तो यानी सारा फाइनल अमाउंट हो जाए लास्ट में हमें फ्रेट को ऐड करना है। और फ्रेट क्या होता है हमारा, किराया, कैरेज भी किराया और कार्टेज भी किराया। चलिए टोटल, अब सबसे पहले लेस क्या करें बताओ, ट्रेड डिस्काउंट 10% 7200। अब इस पे सबसे पहले ऐड क्या करें, इनपुट आईजीएसटी
और इनपुट आईजीएसटी अमाउंट ये आ गया मेरा 800, नहीं 864। अब कुछ स्टूडेंट को अगर आईजीएसटी पता नहीं चल रहा है कैसे निकाला जा रहा है, तो 7200 मल्टीप्लाई 12 बाय जो परसेंटेज दे रखा था इस हिसाब से मैंने निकाल लिया यहां पे। अब इसको भी प्लस करने के बाद लास्ट फाइनल हमें क्या पता चलेगा कि फ्रेट भी है, और लास्ट फाइनल पता चलेगा ये लो, हमने इसमें ऐड कर दिया अगेन और फ्रेट का अमाउंट 75 और टोटल आ गया 8,145। ठीक है, अब बुक में देख के कुछ बच्चे रिपीट करते हैं, रिपीट ना कर अगर आंसर में अगर है तो रिपीट नहीं, अपने माइंड का कैलकुलेशन करो, इससे कुछ नहीं सीखोगे आप। कौन सी 63, तो क्या दिक्कत है इसमें? अच्छा इसकी अभी मैं समझाता हूं, उसको क्लियर करता हूं अभी, ठीक है। चलिए अब इसका टोटल इंफॉर्मेशन हम आगे पुट करते हैं, सबसे पहले कॉस्ट वाले कॉलम में कॉस्टिंग कितने की है, कॉस्टिंग कितने की है बताओ, सामान कितने का खरीदा था 8,000 रुपए का, जिसमें से देखा जाए तो सामान मैंने जब 8,000 का खरीदा है तो 8,000 में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद कॉस्टिंग लिखें या फिर ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने से पहले कॉस्टिंग लिखें बताओ, बाद में। तो सबसे पहले 8,000 रुपए का सामान था, ट्रेड डिस्काउंट माइनस, तो कॉस्टिंग क्या है 72। इसके बाद कॉस्टिंग के बाद क्या इनपुट जीएसटी है, नहीं एसजीएसटी है, नहीं आईजीएसटी है, और वो है 8। इसके बाद फ्रेट अलग से एक कॉलम और बन जाएगा, फ्रेट का कॉलम और बना देते हैं, और फ्रेट क्या आ जाएगा हमारा, फ्रेट आ जाएगा 75। अब कुछ स्टूडेंट का डाउट ये है कि सर ये 6300 ये इस लाइन के ऊपर होना चाहिए, यही डाउट है ना, या क्या कह रहे थे? अच्छा ये यहां पे लिख दिया मैंने और इसे मुझे यहां लिखना चाहिए 39600, बिल्कुल एग्जैक्टली ठीक है ये। और कोई डाउट नहीं, जो लास्ट फाइनल टोटल हुआ उसके सामने सबका डिटेल। अब लास्ट में ये मंथ कौन सा है बताओ, अप्रैल है, तो 30 को हमें एंट्री करना पड़ेगा परचेज। अब परचेज का कैसे कॉलम टोटल करें, ये रहा हमारे पास कॉस्टिंग, परचेज तो हमारा यही है, ये हमारा परचेज का पार्ट थोड़ी ना है, ये भी हमारा परचेज का पार्ट नहीं है और ये भी परचेज का पार्ट नहीं है, तो परचेज का पार्ट क्या है, सिर्फ कॉस्ट हमारा, तो ये आ जाएगा हमारा 53100, और यहां लिख देंगे परचेज अकाउंट डेबिट या परचेज डेबिट। अब इसकी जनरल एंट्री देखो, जनरल एंट्री करने का बहुत ही सिंपल तरीका है, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, और परचेज में क्या आ गया 53100। इनपुट क्या होता है बताओ, इनपुट डेबिट या क्रेडिट, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी डेबिट, इसका भी टोटल की रिक्वायरमेंट पड़ेगा हमें, इसके टोटल की अगर मैं बात करूं तो 378, इसके टोटल की बात करूं तो 378, इसके टोटल की अगर मैं बात करूं कितने बताया आपने, 12,616, और इसके टोटल की बात करूं 75। चलिए
परचेज अकाउंट डेबिट इनपुट में आ जाएगा 378। ध्यान से देखना जर्नल एंट्री को, अभी मैं क्वेश्चन करने के लिए भी दूंगा आपको। और आईजीएसटी भी है तो इनपुट आईजीएसटी जितने भी है ना आपके, ये सारे डेबिट वाले आइटम है, खर्चे हैं आपके ये तो सारे डेबिट वाले, तो जितने भी कॉलम है उतने तो आप क्या करो जर्नल एंट्री में कर लो और सबको डेबिट करोगे। ये फ्रेट का फ्रेट डेबिट, डेबिट फ्रेट में आ जाएगा 70। अब टू किस किस से डील करा, सबसे पहले आपने ब्रदर, इसके बाद दूसरा और तीसरा, बस पूरे महीने का परचेज हो गया। अब इसके अंदर अमाउंट कौन सा लिखेंगे हम, जो लास्ट में टोटल फाइनल करते हैं ना इसके आगे, जैसे कि ये आ गया हमारा 7056 और इससे 44 और लास्ट वाले से, इन सब का टोटल इन सब के टोटल के बराबर होना चाहिए। लास्ट में बीइंग क्या लिखेंगे, बीइंग परचेज गुड्स फोर मंथ, फोर द मंथ। ये लो, क्या इस क्वेश्चन में हम जनरल एंट्री को छोड़ सकते हैं? नहीं, इस क्वेश्चन में आपको जनरल एंट्री भी करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में क्या था आपका, पिछले वाले से इस वाले में क्या फर्क है? इस वाले में थोड़ा जीएसटी आ गया एक तो पॉइंट, और एक थोड़ा सा एक एक्सपेंस भी आ गया, उसका डिटेल कॉलम यहाँ पे बना दिया गया। तो और सारी एंट्री किसमें, क्रेडिट में है। जनरल एंट्री समझ में आया, जनरल एंट्री कैसे करेंगे, हमें परचेज वाले कॉलम में कौन सा अमाउंट लिखना है, कॉस्ट वाला, और दूसरे अमाउंट में इनपुट जीएसटी में, इनपुट में आपका क्या लिखोगे, सीजीएसटी एसजीएसटी इनपुट वाले में, और इनपुट आईजीएसटी जो भी होगा। इनपुट आपको पता है कि एसेट्स होता है इसलिए इसको क्या करते हैं, डेबिट, और फ्रेट हमारा एक्सपेंस है इसलिए डेबिट। अगर मैं बोलूं कि सर आपने इसको डेबिट क्यों किया, क्योंकि ये परचेज है और आपको पता है परचेज एक्सपेंस होता है इसलिए एंट्री में डेबिट। आप पूछते सर इनपुट को क्यों करा, क्योंकि ये एसेट है इसलिए डेबिट, ये भी क्या है एसेट्स और ये भी इसलिए डेबिट और ये इसलिए डेबिट। तो डेबिट होने का रीजन पता चल गया। क्रेडिट, जब कभी भी किसी से उधार सामान खरीदते हैं तो क्या बनता है, लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी ऑलवेज क्या होता है, क्रेडिट। तो ये जोशी को मैंने क्या करा, टू किसको रिप्रेजेंट करता है, क्रेडिट को, तो क्रेडिट 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 ये सारे मेरे कौन है, क्रेडिटर है बिजनेस के, जिसको पेमेंट आज नहीं तो कल देंगे। और जब भी पेमेंट देंगे तो एंट्री कहां पहुंच जाएगा, कौन से बुक में, कैश बुक में। क्लियर, अब फटाफट से नोट करिए। देखें आप, अभी तक के हमने क्लास में क्या क्या कर लिया, हमने परचेज बुक और सिंपल वाला भी और डिटेल वाला दोनों कर लिया हमने, परचेज बुक और सेल्स बुक बिल्कुल सेम होता है। अभी मैं सेल्स बुक भी करके दिखाऊंगा। अब जो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आएगा, मैंने पहले ही बताया कि ये हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा 8 मार्क्स का। अब 8 मार्क्स का किस तरीके से, आपका बिल बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट जो चैप्टर है BRS, उसके अंदर ऑप्शन में रहता है, पिछले 3 सालों का ट्रेंड बता रहा हूं मैं, उससे पहले कभी ये चैप्टर आया ही नहीं करता था, लेकिन पिछले 3 साल से ये थोड़ा ट्रेंडिंग में एग्जामिनर दे रहा है BRS के चॉइस में। जैसे कि BRS के किस में दे रहा है, ये चॉइस में। अब मैं बात आगे करूं, एग्जाम में कैसा चॉइस में क्वेश्चन आता है, एग्जाम में कभी भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आया कि सिर्फ परचेज बुक बनाओ, एग्जाम में कभी भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आया कि सेल्स बुक बनाओ, एग्जाम में ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं आया कि परचेज रिटर्न बुक बनाओ या सेल्स रिटर्न बुक। वो पर्टिकुलर एक पूरा क्वेश्चन दे देगा, उसमें आपको 2 तरीके का 3 तरीके का या 4 तरीके के आपको उसके अंदर ट्रांजेक्शन गिवन हो सकते हैं, उसमें से आपको निकालना है परचेज वाले आइटम को निकाल के हमें एक परचेज बुक बना के दिखाना है।
सेल्स वाले आइटम को निकाल के एक सेल्स बुक बना के दिखाना है, परचेज रिटर्न वाले बुक को निकाल के परचेज रिटर्न, और सेल्स रिटर्न वाले को सेल्स रिटर्न। यानी एक ही क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे चारों बुक बनवा सकता है। 8 नंबर का क्वेश्चन इस तरीके से ड्रॉ होता है, और जरूरी नहीं है चारों बुक बनवाए, 2 बुक बनवा सकता है, सेल्स बुक और परचेज रिटर्न बुक, कोई भी वो अपने हिसाब से कर सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपके बुक का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, इसमें मैं देखता हूं इसमें क्या कहता है। कहता है प्रिपेयर परचेज एंड सेल्स बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। तो परचेज एंड सेल्स बुक, अभी तक के क्वेश्चन किए हमने, परचेज बुक का अलग क्वेश्चन होता है, सेल्स बुक का अलग क्वेश्चन है, उसमें सिर्फ सारे सेल्स 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 के ट्रांजेक्शन है, और परचेज बुक में सारे परचेज 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 के ट्रांजेक्शन है। अब ऐसा नहीं है, क्वेश्चन एक ही है, लेकिन इसी क्वेश्चन की मदद से हमें परचेज बुक भी बनाना है और सेल्स बुक भी बनाना है। तो मैंने एक पहले से ही एक सिंपल सा फॉर्मेट तैयार कर लिया, इस फॉर्मेट को एक बार एक्सप्लेन कर दूं। डेट का कॉलम पर्टिकुलर, IN मतलब इनवॉइस नंबर, LF जो कि यूज नहीं होना इस क्वेश्चन में, लेकिन फिर भी मैंने प्रिपेयर कर दिया। डिटेल कॉस्ट, इसके बाद का कॉलम डिपेंड करेगा कि क्या क्या ट्रांजेक्शन है। यहां तक का कॉलम तो हर क्वेश्चन में बनाना ही बनाना है। इसके बाद का IGST है तो IGST का कॉलम, CGST है तो CGST का कॉलम, फ्रेट है तो फ्रेट का कॉलम। मैंने 2-3 कॉलम पहले ही एक्स्ट्रा बना लिया, जो जो आएगा मैं पुट कर दूंगा। सेम ऐसे सेल्स बुक का है, देखो डेट पर्टिकुलर इनवॉइस नंबर LF, डिटेल कॉस्ट, कॉस्ट तक बना के छोड़ दिया। क्यों? इसके बाद का कॉलम तो हमें क्वेश्चन को पढ़ने के बाद पता चलेगा, उससे पहले पता नहीं चलेगा। क्वेश्चन करने का तरीका क्या था? जितने भी कैश ट्रांजेक्शन है नहीं करना, जितने भी एसेट से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है नहीं करना, सिर्फ किस ट्रांजेक्शन को करना है? गुड्स को, और वो भी किस पे होना चाहिए? क्रेडिट पे। ठीक है, क्वेश्चन में कहता है बॉट फ्रॉम MS उमा दत्त मुंबई। आप देखो ये बेंगलुरु का है, बेंगलोर में रहता है, और उमा दत्त कहां पे है? मुंबई में। तो दोनों अलग अलग स्टेट है, तो IGST लगेगा। तो यहां परचेज है, तो अभी नोटिंग मत करना, पहले क्वेश्चन को समझ लो, प्रॉपर नोटिंग का टाइम दिया जाएगा। तो सबसे पहले आपका परचेज बुक है, तो डेट है हमारे पास 1 तारीख, 1-1 परचेज बुक MS उमा दत्त, और जो उमा दत्त है इससे मैंने क्या क्या परचेज किया है यहां पे क्वेश्चन में देखते हैं। कहता है 100,000 रजिस्टर 80 ईच, तो इसने क्या करा है? 1000 रजिस्टर, यहां डिटेल लिखना है, रजिस्टर एट 80 रुपीज ईच, तो डिटेल वाले कॉलम में आ जाएगा 80,000। कितने का सामान खरीद लिया इसने? 80,000 रुपए का। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, और क्या खरीदा इससे? और 50 रिम्स पेपर 250 रुपए का पर पेपर था हमारा, तो 50 रिम पेपर खरीदे इसने, 50 एट 250, टोटल हो गया 12,000। आगे देखते हैं कंटिन्यू में, आगे क्या कहता है? इसके अंदर ट्रेड डिस्काउंट भी है और IGST 5% है। तो ट्रेड डिस्काउंट और IGST 5% की मैं बात करूं तो सिंपल, ट्रेड डिस्काउंट पहले लगेगा या IGST का कैलकुलेशन पहले करें? पहले ट्रेड डिस्काउंट का होगा, और ट्रेड डिस्काउंट क्वेश्चन में हमारा 25%, तो अगेन हम इसको टोटल करेंगे, और टोटल 80,000 12,500 92,500। इस टोटल में से लेस कर देंगे पहले, लेस ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, और यहां परसेंटेज भी मेंशन कर देता हूं 25%, इस के ऊपर 25% निकालेंगे, जो कि आएगा हमारा 2312 और 5, 23,125 रुपए। पहले इसे माइनस करेंगे, माइनस के लिए एग्जाम में ध्यान रखना सिंबल ब्रैकेट का लगा देना। तो ये आ गया मेरा 69375375। अब क्योंकि दिल्ली से बाहर है, एग्जामिनर ने आपके लिए बहुत आसान क्वेश्चन कर दिया, बता दिया IGST लगाओ, लेकिन सही क्वेश्चन तब होता वो बताता ही नहीं कि कौन सा है, वो आप खुद जज करो। तो IGST लगाने को बोला इसने, और IGST यहां पे लिखेंगे, प्लस करेंगे हम, प्लस परचेज है तो इनपुट
इनपुट आईजीएसटी 5%। अब मैं इस पे अगर 5% निकालूं तो पॉइंट में आ गया 3468 पॉइंट समथिंग। मैं पॉइंट को इग्नोर कर रहा हूं, और पॉइंट को इग्नोर करने के बाद मैंने यहां पे लिखा प्लस 693, ये टोटल आ गया 72843। 843 हमारे आंसर में हो सकता है, जो आपके बुक में आंसर मेंशन है, 1 या 2 रुपए का फर्क आ जाए। वो रीजन फ्रिक्शन को मैं इग्नोर करके चल रहा हूं। अगर मेरे पास 0.9 भी है तो 9 मैं नहीं मान रहा, उसको क्या कर रहा हूं, मैं यहां पे इग्नोर कर रहा हूं। अगर मानना चाहते हो तो आप मान सकते हो, ऐसा नहीं कि मैंने इग्नोर कर दिया तो आप भी इग्नोर करना है। मुझे आसान लगता है कैलकुलेशन में, एक मैंने फॉर्मेट बनाया हुआ है कि पॉइंट के बाद इग्नोर करूंगा, लेकिन कई बार मन करता है इग्नोर नहीं करते, उसको राउंड फिगर में आगे की साइड ले लेते हैं, तो मैं ले लेता हूं उसको। वो आपके ऊपर जजमेंट की बात है। अब इसका टोटल का कैलकुलेशन, एक तो जाएगा कॉस्ट, कॉस्ट वाले कॉलम में ट्रेड डिस्काउंट के बाद 69375। अब जीएसटी लगा हमारा इनपुट आईजीएसटी, और इनपुट आईजीएसटी 3468। कुछ स्टूडेंट कैलकुलेट करें तो बोले सर 69 लिख दे, लिख सकते हो पॉइंट राउंड फिगर करने के बाद। फर्स्ट एंट्री कर चुके हैं, सेकंड सोल्ड, तो अब सेल्स बुक में जाना पड़ेगा। कहता है श्री दयाल, और श्री दयाल को सोल्ड किया है, डेट क्या है सोल्ड करने का, 2 तारीख। यानी देखो पहले ही बुक्स मैंने बना रखा था, इसलिए दयाल। अब इसको क्या क्या बेचा है क्वेश्चन में देखते हैं। इसको 250 रजिस्टर बेच दिए, 250 रजिस्टर, और आराम से करना है, कोई जल्दबाजी नहीं है। रजिस्टर, और मैं जब एट लगाता हूं तो एट का मतलब ईच है यहां पे, एक का कीमत है यहां पे, बेचा जो है वो 85 रुपए में बेच दिया इसने, 85 में, तो 250 × 85 21,250। आगे देखते हैं और कुछ उसको बेचा, हाँ 5 रेम्स पेपर बेच दिए 300 के, 5 रेम, रेम क्या होता है पेपर का बंडल, और बेचा इसने 300 का, और ये आ गया 1500। इसके बाद और आगे देखते हैं क्वेश्चन में, इसके ऊपर लेस 15% ट्रेड डिस्काउंट, सॉरी इसके ऊपर चार्ज करता है सीजीएसटी भी और एसजीएसटी, और यहां पे ट्रेड डिस्काउंट नहीं दिया, तो सिंपल हमें क्या करना है, पहले इसको टोटल करना है, और टोटल करके आ गया 22,750। और अगर ट्रेड डिस्काउंट होता तो पहले मैं क्या करता, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करता, है ही नहीं तो मैं सीधा प्लस करूंगा। आउटपुट, आउटपुट सीजीएसटी 2.5% और प्लस आउटपुट एसजीएसटी 2.5%। अब इसका 2.5 निकालो, फिर से पॉइंट में आ गया, तो मैं 568 ले रहा हूं। कुछ बच्चे 69 भी ले सकते हैं, मैंने 68 लिया है, 568, ये आ गया मेरा टोटल 23886। अब इसकी कैलकुलेशन, कॉस्ट, कॉस्ट क्या है ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट तो है ही नहीं, तो कॉस्ट आएगा 22,750। अब सीजीएसटी एसजीएसटी है, तो आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी, एक और कॉलम ड्रॉ कर लिया हमने। अब सीजीएसटी में आ गया 568 और एसजीएसटी में आ गया 568। मैंने आउटपुट नहीं लिखा, आउट लिख दिया सिर्फ स्पेस की कम की वजह से। अब फर्स्ट भी कर लिया, सेकंड, थर्ड, बॉट फ्रॉम बिल्ट दिल्ली। जब भी मैं इस क्वेश्चन को पढ़ता हूं तो सबसे पहले मेरे माइंड 2 बातों को कैलकुलेट करता है, कहीं कैश में तो नहीं है और कहीं एसेट्स तो नहीं है। ये 2 क्यों माइंड कैलकुलेट करता है, क्योंकि इसको नहीं करना हमें। फिर से मैंने इसको देखा, बाउट फ्रॉम बिल्ट, तो कैश तो नहीं है, जब नाम आ गया तो क्या आ गया, क्रेडिट पे, तो खरीदा है, और डेटेड क्या है खरीदने का,
तो एक तो मैं इसको लाइन यहां से यहां तक डाल देता हूं ताकि पता चल जाए अपर का पार्ट है। 8 जनवरी नहीं डालो तो कोई दिक्कत नहीं है। बिल्ट, बिल्ट किसी दुकानदार का नाम है। क्या क्या खरीदारी करी हमने इससे, इससे खरीदारी करी 100 रीम्स रूल्ड पेपर। और रूल्ड पेपर कौन सा होता है, जो लाइनिंग वाला पेपर होता है ना आपका, उस पेपर को हम बोलते हैं रूल्ड पेपर। तो यहां पे कहता है ये 100 रीम्स रूल्ड पेपर और 600 रुपए पर रिम खरीदा, बस एक ही प्रोडक्ट खरीदा है। 100 रिम्स रूल्ड पेपर एट कितने का, 600 का, तो 60,000 रुपए का। क्या इसको ट्रेड डिस्काउंट मिला, क्वेश्चन में देखते हैं। कहता है 15% ट्रेड डिस्काउंट और IGST 5%। तो सबसे पहले टोटल, इसका टोटल करें तो 60,000 ही बनेगा, और लेस कर दे सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट, जिसको TD बोल देता हूं अब शॉर्ट फॉर्म में, 15%। तो 60,000 का 15% 9,000 माइनस कर दो 51,000। अब इसके ऊपर मैं लगाने वाला हूं IGST प्लस इनपुट IGST। जिस स्टूडेंट को समझ में नहीं आया ध्यान से पहले देखो फिर आप उसको नोटिंग पे ध्यान देना। 5% सबसे आसान चैप्टर है आपका ये बुक का, 2550। ये प्लस होगा और ये माइनस के लिए ब्रैकेट, और ये आ गया मेरा 53550। चलो डिटेल लिखते हैं। कॉस्ट ट्रेड डिस्काउंट के बाद जो कि है 51,000, IGST है तो IGST का तो कॉलम बना ही रखा है 2550, अगेन बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ये लो 3 एंट्री कर चुके हैं, सेल्स वाले को सेल्स बुक में, परचेज वाले को परचेज बुक में। इस तरीके का आपका क्वेश्चन आएगा, है एक ही क्वेश्चन लेकिन इसके अंदर 2 बुक्स प्रिपेयर किए जा रहे हैं। 12 तारीख को सोल्ड कर दिया गुप्ता को, और 12 तारीख को मैंने सोल्ड किया गुप्ता को, तो अब इसको पहले मैं क्लोज कर दूं यहां पे। 12-1 को गुप्ता, 250 बेचा इसको गुप्ता को मैंने बेचा 250 रजिस्टर, 250 रजिस्टर एट 85। तो 250 रजिस्टर एट 85, 21,250। और क्या बेचा गया इसको, और मैंने 50 रूल्ड पेपर बेच दिए 700 के, 50 रीम्स रूल्ड पेपर एट 700। तो 50 रीम्स एट 700 35,000 रुपए का ये बेच दिया। और क्या बेचा इसको, और कुछ भी नहीं बेचा गया। ट्रेड डिस्काउंट 5%, IGST 5% है। तो चलो टोटल कर लेते हैं, टोटल 56,000, 250 और लेस ट्रेड डिस्काउंट, डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट क्वेश्चन में 5% कहता है, ट्रेड डिस्काउंट कितने परसेंट कहता है, 5। अब ये भी पॉइंट में आ गया, मैं 2812 लिख रहा हूं, इसको माइनस करने के बाद ये आ गया मेरा 53438। अब इस पे प्लस करूंगा, बोर्ड पे ध्यान दो, अब मैं प्लस करूंगा आउटपुट IGST, आउटपुट IGST कितने परसेंट है, 5%। अब इसके ऊपर 5% लगाएंगे, 53438 2672 कर देता हूं इसको अब मैं, क्योंकि एक राउंड फिगर मैंने आगे, मेरा मन करा मैंने आगे कर दिया। आप भी कर सकते हो, चाहे पहले राउंड फिगर कर दो चाहे आगे कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए 2672 53438, ये आ गया मेरा 56110। अब डिटेल, इसके ऊपर हमारा लगा कॉस्ट हमारा 53
438। अब आईजीएसटी का एक कॉलम बनाते हैं, आउटपुट आईजीएसटी, क्योंकि इसमें सीजीएसटी एसजीएसटी का कॉलम तो बना चुके हैं, अब आईजीएसटी आ गया तो उसका भी कॉलम बनाना पड़ेगा। आउटपुट आईजीएसटी 2672। चलिए जी, इस 12 तारीख वाली एंट्री भी हमने कर ली। 12 के बाद देखते हैं किस तारीख की, 18 की। हाँ बिल्कुल, कम या ज्यादा 4-5 रुपए का आपका आंसर आ जाए। क्वेश्चन क्या रेज किया इन्होंने कि अगर मैं पॉइंट के बाद पहले आंसर आ जाए, बुक में मान लो 1000 है और हमारा आंसर 999 है तो वैलिड है, बुक में आंसर 1000 है हमारा 1001 रुपए आ रहा है तो वैलिड है, क्यों दिक्कत आ रहा है राउंड फिगर करने। बुक वालों का तो कंप्यूटराइज होता है सारा, हम तो राउंड फिगर किससे कर रहे हैं, क्या आप तो करोगे, बल्कि इवन हाथ से, मैंने तो कैलकुलेटर से किया तब भी कर लिया, आपका और थोड़ा 1-2 रुपया लगा सकता है, तो उसमें चिंता वाली कोई बात नहीं है। 18 तारीख को सोल्ड किया है राम शरण दास को, 18-1 को राम, और इसको क्या बेचा, इसको सिर्फ और सिर्फ मैंने डबल एंट्री बुक कीपिंग का कॉपी बेच दिए 20, 20 एट एक कॉपी जो था 85। इसके ऊपर देखो क्वेश्चन में ध्यान से, जीएसटी भी नहीं है, ट्रेड डिस्काउंट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है इस पे, तो ये 1700 टोटल, और कॉस्ट वाले कॉलम में सिर्फ 1700 रह जाएगा, जीएसटी वाला कॉलम सारा का सारा ब्लैंक रह जाएगा, ना तो इस पे जीएसटी है और ना ही इस पे ट्रेड डिस्काउंट है, तो ऐसे ही ब्लैंक छोड़ दिया। अगर फ्रेट होता तो मैं फ्रेट ऐड करके एक और कॉलम ड्रॉ कर लेता फ्रेट का, और फिर हम आगे करते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन में कहता है 25 तारीख को फिर से खरीदा है इसने हरी राम से, 25 तारीख को 25-1 हरी राम, और क्या क्या खरीदा है इससे देखते हैं। इसने खरीदा है हरी राम से 1000 पेन 10 रुपए का एक, इसने 1000 पेन खरीदा एट 1000 पेन एट 110 ईच, और ये आ गया 10,000। इसके ऊपर क्या ट्रेड डिस्काउंट मिला 10,000 माइनस ट्रेड डिस्काउंट। आप एग्जाम में टीडी मत लिखना, आपको पूरे वर्ड्स लिखने होंगे वहां पे। इसके बाद आ गया 8500, इसके ऊपर जीएसटी भी है, तो इनपुट आईजीएसटी और इसके अंदर आएगा 5%, 5% है ना, 425, ये आ गया 8925। अब कॉस्ट की चर्चा करते हैं, कॉस्ट 8500, आईजीएसटी का कॉलम ये रहा, आईजीएसटी है सीजीएसटी एसजीएसटी है, बस इसमें तो आईजीएसटी लग रहा है 425। और देखते हैं अगले पॉइंट में, लास्ट पॉइंट सोल्ड 31 को सोल्ड किया है, और सोल्ड जो किया है कहता है किसको, ऋषि कुमार को, क्या क्या बेचा देखते हैं। 300 रजिस्टर 90 रुपए का, नाइनटी 27,000, और इसको बेच दिया 50 रीम्स रूल्ड पेपर 700 का, 50 रीम रूल्ड पेपर एट 735,000। इसके बाद 20 रीम पेपर बेचा, और पेपर 300, तो ये आ गया 6,000। टोटल कर लेते हैं,
27,000, 35,000 और 6,000, 68,000। 68,000 के बाद लेस ट्रेड डिस्काउंट कितने परसेंट है? 10%। 6,800 लेस 10%, ये आ गया 61,200। इसके बाद अब इस पे सीजीएसटी है, आईजीएसटी, वो देखना पड़ेगा। देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहता है, माल कहाँ बेचा है इसने, गुड्स, बेंगलुरु। तो सीजीएसटी और आईजीएसटी 2.5-2.5% है, प्लस सेल्स है तो आउटपुट सीजीएसटी 2.5%, प्लस आउटपुट एसजीएसटी 2.5%। चलिए 61,200 पे 2.5%, 1530 रुपए, एग्जैक्ट डिजिट आया, कोई राउंड फिगर नहीं। और इसका टोटल कर देते हैं 64,260। ये लो, कॉस्टिंग की बात करते हैं। अब कॉस्टिंग में कितने का कॉस्टिंग? 61,200, 1530 और 1530, आईजीएसटी है नहीं। अब लास्ट में हमें क्या करना है, टोटलिंग का प्रोसेस और एक जर्नल एंट्री, बस एक टोटलिंग करेंगे और एक जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री आपको करने दूंगा मैं, लास्ट क्वेश्चन में मैं बता चुका हूं कि जर्नल एंट्री कैसे करेंगे। बस यहां पे मैं लिखूंगा सेल्स, अकाउंट, क्रेडिट, और डेट रहेगा 31। सेल्स का कॉलम कौन सा है? कॉस्ट वाला कॉलम सेल्स का होता है, 53,400, ये आ गया 13। टू जीरो नाइन एट टू सिक्स सेवन टू, ये आ गया हमारा सेल्स बुक। सेम ऐसे परचेज बुक का भी टोटल कर लें, और परचेज बुक का जब टोटल करेंगे तो यहां लिख देंगे परचेज अकाउंट डेबिट, और डेटेड होगा 31। परचेज का टोटल करें हम, ये आ गया 128,875। जीएसटी का टोटल 6,443। अब 1-2 रुपए का आंसर अलग आ जाए तो क्या दिक्कत है? क्यों दिक्कत है हमारा, अगर आता भी है तो कोई सोचे तो फ्रिक्शन की वजह से। आपके बुक में आंसर कुछ इस तरीके से दे रखा है, परचेज बुक का आंसर, तो परचेज बुक का आंसर तो मैंने निकाला नहीं, परचेज अकाउंट का जरूर आंसर निकाला है, तो ये मैच कर सकते हो परचेज अकाउंट का आंसर। आपके बुक में दे रखा है सेल्स बुक का आंसर, उसको आंसर को इग्नोर करो, वो जर्नल एंट्री में आपको दिख जाएगा। आपको किसमें देखना है, सेल्स अकाउंट का आंसर, वो ये आंसर आना चाहिए 139,080। तो ये था हमारा पूरा क्वेश्चन नंबर 8। अब किसी का अब भी डाउट है तो पूछ सकते हो इसमें, इस क्वेश्चन में नहीं हुआ, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें एक पॉइंट मैंने करके दिखा दिया था। हाँ दोनों, इसका अलग जर्नल और इसका, इसका जर्नल मैं देखो समझाता हूं। परचेज अकाउंट डेबिट, और आईजीएसटी इनपुट, और टू टू किस किस को बेचा है, मैसेज ओमा, टू बिल्ट, टू हरि ओम, हरि राम। चलो परचेज में क्या लिखें, इसका कॉस्ट 128,875, जीएसटी में 6,443। अब ओमा में क्या लिखेंगे, ओमा के जो फाइनल टोटल था 72,843, अब इसमें बिल्ड में क्या लिखेंगे, 53,550, और लास्ट में हरिराम में 89। आप आंसर का वेरीफाई भी कर सकते हो, इन दोनों का टोटल आपस में क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए। तो आपका सब्सिडरी बुक में अगर परचेज रिटर्न बुक बनेगा तो सेम रहेगा,
बस ऊपर हेडिंग क्या लिखेंगे, परचेज रिटर्न बुक। सेल्स रिटर्न बुक बनेगा तो सेम हेडिंग रहेगा, चाहे डिटेल हो चाहे सिंपल हो, ऊपर लिखेंगे सेल्स रिटर्न। तो आपका सब्सिडरी बुक के जो भी क्वेश्चन है वो ट्राई करोगे, अभी मैं क्वेश्चन दे दूंगा। बाकी इसके अंदर और ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जो आपको बताना पड़े और आपको सीखना पड़े, और ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर हाँ, एक पॉइंट और मैं डिस्कस करूंगा, अगर इसके अंदर आपका सेल्स में फ्रेट होता तो वो फ्रेट हमारा क्रेडिट होगा, क्योंकि वो फ्रेट हमें उससे क्या करना है, लेना है। जब कभी भी हमें फ्रेट लेना है तो मेरे लिए तो इनकम है, क्योंकि फ्रेट कार्टेज एक्सपेंस होता है नॉर्मली, लेकिन किसी से लेना है वो तो मेरे लिए इनकम। इसमें फ्रेट क्रेडिट होगा और इस वाले में फ्रेट डेबिट होगा। ठीक है, अब नोट कर लीजिए आप इसको फटाफट, इसे समझते हैं। वैसे ये चैप्टर जो आपका बनाया गया सब्सिडरी बुक, और मैं सब्सिडरी बुक की बात करूं तो सब्सिडरी बुक में आपके सिर्फ जो बात के मैंने 5 बुक्स बनाए हैं, एक कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स रिटर्न बुक और परचेज, 1, 2, 3, 4 और 5, यही सब्सिडरी बुक का पार्ट है। और लास्ट क्लास में डिस्कस किया था सब्सिडरी बुक कौन सी कंपनी बनाती है, नॉर्मली जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन पे। और जनरल प्रॉपर ये अलग से टॉपिक इस चैप्टर के अंदर डाला हुआ है, जनरल प्रॉपर। जनरल प्रॉपर कोई अलग से कॉन्सेप्ट नहीं है, आपको सिंपली ट्रांजेक्शन देखना है और जनरल प्रॉपर बोला हुआ है तो आपको जनरल एंट्री करना है और कुछ भी नहीं करना। तो जनरल प्रॉपर किस ट्रांजेक्शन का करेंगे, इस टॉपिक में हमें सिखाया गया कि जनरल प्रॉपर जो करना है आपको मेनली उस ट्रांजेक्शन का करना है जिसके अंदर कैश ना हो, यानी आपको जनरल एंट्री उस ट्रांजेक्शन से रिलेटेड ढूंढना है जो कि कैश ना हो, यानी अदर देन कैश। Other than cash and subsidiary book, यानी जनरल एंट्री उन्हीं ट्रांजेक्शन का हमें एग्जामिनर को करके दिखाना है जो कि सब्सिडरी बुक से, इस चैप्टर के पर्पस के लिए। एग्जाम में तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि जनरल प्रॉपर का क्वेश्चन है, वो नॉर्मल करना है, सिर्फ इस चैप्टर के पर्पस के लिए मैं बता रहा हूं जनरल प्रॉपर क्यों नाम दिया गया। अदर देन कैश यानी कैश वाले ट्रांजेक्शन को छोड़ दो, और सब्सिडरी बुक वाले को यानी कैश वाले ट्रांजेक्शन को क्यों छोड़ा गया, क्योंकि जो हम पैसे कैश में लेंगे वो तो कैश बुक में एंट्री हो गया, जो हम पेमेंट कैश में करेंगे वो तो कैश बुक में एंट्री हो गया, कैश में सेल्स करेंगे कैश बुक में एंट्री हो गया, कैश में परचेज करेंगे कैश बुक में एंट्री हो गया, उधार अगर मैं गुड्स को खरीदता हूं परचेज बुक में एंट्री हो गया, उधार अगर गुड्स को बेचता हूं तो सेल्स बुक में एंट्री हो गया, अगर परचेज रिटर्न है तो परचेज रिटर्न बुक में एंट्री हो गया, सेल्स रिटर्न बुक में एंट्री हो गया। ये तो इसका डिफाइन है, इसके अलावा और भी बहुत सारी एंट्री है जिसके अंदर कैश इन्वॉल्व नहीं है। उस एंट्री को अगर मैं डिफाइन करूं तो सबसे पहले मेरे माइंड में आता है डेप्रिसिएशन, और कौन सा एंट्री हो सकता है, आउटस्टैंडिंग, और कौन सा एंट्री हो सकता है आपका, प्रीपेड, और कौन सा एंट्री हो सकता है हमारा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, और कौन सा एंट्री हो सकता है हमारा, बैड डेट्स, और कौन सा एंट्री कर सकते हैं, एसेट्स परचेज ऑन क्रेडिट, एसेट परचेज या और सोल्ड ऑन क्रेडिट, कैश वाला नहीं लेंगे, कैश वाला तो कैश बुक में इन्वॉल्व हो जाएगा, एसेट्स परचेज। और कौन सी एंट्री कर सकते हैं, ओपनिंग एंट्री, और कौन सी एंट्री कर सकते हैं, क्लोजिंग एंट्री, और कौन सी एंट्री कर सकते हैं, गुड्स यूज, गुड्स यूज के अंदर काफी सारे पार्ट्स करवाए थे याद होगा, गुड्स यूज पर्सनल के पर्पस के लिए, चैरिटी के पर्पस के लिए, फ्री सैंपल के पर्पस के लिए, फॉर एसेट्स मेकिंग, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फायर, उसमें सब में आ जाएगा 10। तो ये और कौन सा हो सकता है, एक्रूड इनकम, और कौन सी एंट्री हम कर सकते हैं,
अब आप सोच सकते हो कि और भी काफी सारी ऐसी, जितने मुझे याद आया मैंने यहाँ पे लिख दिया, मतलब मेरा बताने का पर्पस था सिर्फ जनरल प्रॉपर का मतलब क्या है, जितने भी आपके जनरल एंट्री है उसको अगर जनरल एंट्री के फॉर्म में कर दो तो वो जनरल प्रॉपर का नाम दिया जाएगा। लेकिन जनरल एंट्री जब करने बैठो, जनरल प्रॉपर का क्वेश्चन हो, तो उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, कैश ट्रांजेक्शन वाले जनरल एंट्री को नहीं करेंगे, परचेज बुक वाले जनरल एंट्री को नहीं, सेल्स बुक वाले जनरल एंट्री को नहीं, जबकि सच्चाई ये है कि जनरल एंट्री ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन का हमें करना पड़ता है। लेकिन इस चैप्टर के पर्पस के लिए, चैप्टर नंबर 11 के लिए, सिर्फ आपका जो सब्सिडरी बुक का नाम है, तो उसके अंदर हमारे एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा, हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बस ये आएगा, एक ये कैश बुक का आएगा जो कि हम चैप्टर नंबर अलग चैप्टर में अलग क्वेश्चन हम कर चुके हैं, और एक इसमें से चारों का क्वेश्चन आएगा, जनरल प्रॉपर का एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर बाय चांस आ गया तो लिखा होगा पास नेसेसरी जनरल एंट्री, तो डेप्रिसिएशन का जनरल एंट्री कैसे करते हैं हम सीख चुके हैं, हम आउटस्टैंडिंग की जनरल एंट्री कैसे करते हैं सीख चुके हैं, हम प्रीपेड की जनरल एंट्री कैसे करते हैं सीख चुके हैं जनरल एंट्री वाले टॉपिक के अंदर। जिसने जिसने नहीं करा हुआ तो उनका तो जनरल एंट्री की क्लास अभी चल रही है, तो उसके अंदर सब मैं बताऊंगा। देखो जनरल प्रॉपर में भी करा, जिसने कर रखा है मैंने यूट्यूब पे भी सारी क्लासेस अपलोड करी हुई है लगभग लगभग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी, बेड डेट्स का भी देखा हुआ है। लेकिन बोलोगे सर बेड डेट्स में तो कैश भी आता है, तो जितना पार्ट कैश है वो कैश बुक में चला जाता है। एक इलस्ट्रेशन किया था बैंकक्रप्ट वाला, तो उसमें कितना पार्ट लिया था, जितना पार्ट हमें कैश में रिसीव हुआ था, बाकी का पार्ट हमारा किस में चला जाता है, क्रेडिट में, मतलब क्रेडिट में नहीं, नॉन कैश आइटम में चले जाता है बैड डेट्स। इसके बाद क्रेडिट पे परचेज एसेट्स एंड आपका, या फिर क्रेडिट पे सोल्ड ऑफ एसेट्स। इसके बाद ओपनिंग एंट्री, ओपनिंग एंट्री का भी हमने जनरल एंट्री करा हुआ है, हमने जनरल एंट्री किसका नहीं करा हुआ, सिर्फ क्लोजिंग एंट्री। तो अगर मुझसे बोले कि सर आप मुझे जनरल प्रॉपर में इतने सारी बातें बता रहे हो, क्या इनका जनरल एंट्री करना है, बिल्कुल हाँ, इनका सिर्फ नॉर्मल जनरल एंट्री करना, ऐसा कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है और कुछ नहीं है। मैं इन 11 एंट्री का आपको जनरल एंट्री अगर बताऊं तो जनरल एंट्री किस तरीके से होगा, देखो सिंपल फॉर्मेट वही रखना है आपको। आपका कैश बुक में भी जनरल प्रॉपर करना होता था, जो डिस्काउंट वाला एंट्री है, मैं यहां डिस्काउंट का भी लिख सकता हूं। चेक इन हैंड, क्या जनरल प्रॉपर का पार्ट होगा, चेक इन हैंड में पेमेंट आता है क्या हमारे पास, जब हम चेक रिसीव करते हैं तो पेमेंट नहीं आता, लेकिन जब चेक डिपॉजिट करते हैं तब आता है पेमेंट, तो उसका भी कर सकते हैं। तो यही रूल है सिंपल सा। तो जनरल प्रॉपर क्या है, जनरल प्रॉपर तो आपको क्वेश्चन में कभी पता ही नहीं चलेगा कि सर ये क्वेश्चन तो जनरल प्रॉपर का है। हां जी, फॉर्मेट भी देखो बिल्कुल सेम, बाकी लेजर तो अभी हमने करा नहीं है। डेप्रिसिएशन का, डेप्रिसिएशन टू एसेट, जिस एसेट्स पे लगेगा डेप्रिसिएशन टू एसेट्स, बिल्डिंग है तो टू बिल्डिंग, लैंड है तो टू लैंड, और अगर आपका फर्नीचर है तो टू फर्नीचर। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का, सैलरी पे है तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, मैं कॉमन एंट्री कर रहा हूं आपको समझना होगा, आउटस्टैंडिंग, अगर रेंट है तो रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट, सैलरी है तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। इसके बाद प्रीपेड का, प्रीपेड एक्सपेंस टू एक्सपेंस, अगर सैलरी प्रीपेड है तो प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी। जिसने सारा का सारा एंट्री या तो क्लासेस देखा हुआ है, या तो जिसने सारा का सारा एंट्री पहले करा हुआ है, उनको कोई समझने में दिक्कत नहीं है, जिनका जनरल एंट्री कंप्लीट नहीं है उनको अभी ये टॉपिक समझ में नहीं आएगा। तो इस टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहले जनरल एंट्री की आपको क्लास पूरी कंप्लीट करनी पड़ेगी, तो इजीली आ जाएगा। और इन सारी एंट्री को अगर याद हो तो मैंने एक नाम दिया था स्पेशल एंट्री, इस एंट्रीज में से आपके एग्जाम में क्वेश्चन में जरूर आएगा। जीएसटी का टॉपिक जब खत्म हुआ था उसके बाद मैंने सारी एंट्री यही स्टार्ट किया था आपका, अलग अलग, जो कि आपने ना तो पहले कभी, मतलब जनरल देख के पता नहीं कर सकते कि इसमें क्या हो रहा है हमारा ट्रांजेक्शन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। आप बोलोगे बिंग नहीं लिखना क्या सर इसके अंदर, बिल्कुल बिंग तो लिखना ही आपको, तो बिंग सिंपल है, पहले हमने करा हुआ है, पहले क्वेश्चन का क्या होगा, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन एसेट्स, दूसरा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। बैड डेट्स का,
बैड डेट्स, टू नेम, यही करते हैं ना, जिससे डूबा है पैसा। बैड डेट्स के बाद एसेट्स परचेज और एसेट्स सोल्ड का, फिक्स एसेट्स या एसेट्स अकाउंट डेबिट, टू नेम या क्रेडिटर, टू नेम रख देते हैं। आपको याद होगा जिससे भी हम उधार सामान खरीदते हैं तो उसका क्या लिखते हैं, नाम लिख देते हैं। ओपनिंग एंट्री, ओपनिंग एंट्री में कैसे करेंगे इसको अभी रहने देते हैं। क्लोजिंग एंट्री भी है, गुड्स यूज, काफी सारे एंट्री करा है हमने। एक्रूड इनकम, एक्रूड इंटरम 11 नंबर, तो एक्रूड इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट अकाउंट, अमाउंट क्या होगा, जो भी अमाउंट होगा इसके अंदर आपको वो एग्जामिनर दे देगा उसी अमाउंट का। यानी एग्जाम में अगर मैं क्वेश्चन दूं और आपसे बोलूं कि जनरल करो, और मैं बोलूं कि पता है वो किस चैप्टर का क्वेश्चन था, जनरल प्रॉपर का था, तो आपने तो उसे जनरल मान के किया, तो कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें, है जनरल एंट्री, उसका नाम थोड़ा सा मॉडिफाइड कर दिया, इसमें जनरल प्रॉपर, ऐसा कोई प्रॉपर का मीनिंग है नहीं, जो जनरल एंट्री आता है वही करना है आपने, वही जनरल प्रॉपर है। ये जनरल एंट्री कुछ किया मैंने, गुड्स यूज के काफी सारे एंट्री है, जैसे कि कहाँ कहाँ यूज होगा उससे रिलेटेड मैंने यहाँ पे पहले जनरल एंट्री देख सकते हो जो मैंने करवाया हुआ है। अब बात करते हैं ओपनिंग एंट्री, ओपनिंग एंट्री के लिए मैंने बताया हुआ है, ओपनिंग एंट्री के लिए बताया हुआ है कि एसेट अकाउंट डेबिट, जितने भी एसेट्स है उसको क्या कर दो, और टू लाइबिलिटी कर दो, और बैलेंसिंग फिगर जो निकलेगा उसको कैपिटल से मैच कर दो। जैसे फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपए का एसेट्स है, लाइबिलिटी 6,000 का है, तो 4,000 रुपए जो निकला बैलेंसिंग फिगर, ये हो गया ओपनिंग एंट्री। क्लोजिंग एंट्री अभी नहीं सीखेंगे हम, जैसे जैसे टॉपिक आएगा तब मैं बता दूंगा। क्लोजिंग एंट्री को ट्रेडिंग से भी करते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से भी करते हैं। तो किसको ट्रेडिंग से करते हैं, किसको प्रॉफिट एंड लॉस, तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि कौन से आइटम ट्रेडिंग का पार्ट है और कौन सा प्रॉफिट एंड लॉस। उससे पहले ये समझना होगा कि ट्रेडिंग क्या है और प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, तभी आप उसकी एंट्री समझ पाओगे। तो उसके लिए हम एग्जाम से पहले उसको करके जाएंगे हम क्लोजिंग एंट्री। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट जनरल प्रॉपर। तो जनरल प्रॉपर एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है आपका, तो आप देखो क्वेश्चन कैसा बन सकता है, एक ही क्वेश्चन में सारे पॉइंट्स दे सकते हैं आपको, और सारे पॉइंट्स में आपको अगर जिसका आपका बोला जाए पास नेसेसरी ट्रांजेक्शन, मैंने बोला पहले हम क्या करते थे, एंट्री छोड़ के नीचे क्या देते थे, नोट्स, ठीक है ना। तो कैश बुक को छोड़ दो, बाकी के लिए आप नोट्स देने के अलावा उसका जनरल प्रॉपर करके एग्जामिनर को क्या कर सकते हो, दिखा सकते हो। मैंने बोला परचेज बुक कर रहे हैं, मैंने बोला फर्नीचर परचेज फ्रॉम राम, आप नीचे नोट दे दोगे कि इट इज नॉट गुड्स और इसे परचेज बुक के अंदर रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। दूसरा कॉन्सेप्ट आपका हो सकता है उसकी जनरल एंट्री कर देंगे, क्योंकि जब राम से फर्नीचर खरीदा गया तो वो जनरल प्रॉपर का पार्ट है, ये भी लिखा जा सकता है और एंट्री कर देंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, ठीक है। तो अब एक बार ये नोट करो, लास्ट कॉन्सेप्ट था आपके इस टॉपिक का सेकेंड, चेक इन हैंड का कैश।